हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड, हम लोग ये वाला पैटर्न बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही सुंदर है और एक रो में बनके तैयार हो जाता है। थ्री के मल्टीपल पे चलता है, प्लस टू फंदे आपको एक्स्ट्रा लेने होते हैं। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डालेंगे, बनके बहुत सुंदर लगेगा। बैक साइड से भी बहुत फिनिशिंग के साथ आता है और राइट साइड से ऐसे थ्री फंदे काउंट करते जाइए, लास्ट में दो फंदा एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। टू फंदा एक्स्ट्रा, 15 दो 17 फंदे लिए हैं, 17। फर्स्ट रो राइट साइड से पूरी सीधी बुन लेंगे। सारे फंदे को सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड रो ध्यान से देखिए, इसको भी मतलब फर्स्ट फंदे को स्लिप कर देंगे और पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से भी ये सीधी ही बनेगी। अब आ जाइए राइट साइड में। तो राइट साइड से आप देखिए रिपीट पैटर्न हमारा शुरू होगा यहाँ से। दो फंदा सीधा, दो फंदे में तीन फंदा बना लेंगे बैक साइड से, फिर एक फंदा सीधा। तो इस दो फंदे को छोड़ दीजिए और एज स्टिच को छोड़ दीजिए। तो देखिए, दो फंदा सीधा और ये फंदा और ये तीन तीन फंदे का हमारा डिज़ाइन बनता हुआ चला जाएगा। तो फिर देखिए क्या करेंगे, दो फंदा बैक में ले जाएंगे और तीन फंदा बना लेंगे। ठीक है, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे को बैक से एक बनाया, यान ओवर तीन हो गया। तो दो फंदे में हम तीन फंदा बना रहे हैं, फिर एक फंदा सीधा, फिर बैक से एक फंदा, धागा लपेटे, दो हो गया और ये तीन हो गया। अब एक फंदा सीधा, फिर बचते हमारे दो फंदे, तो इसको भी सीधा बुन लेंगे, एज स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। फोर्थ रो में क्या होगा, एक एज स्लिप करेंगे, दो फंदा जो उधर से सीधा बुनते ये दो उल्टा होगा। अब ये जो तीन बनाए थे इसमें से दो फंदा उल्टा और जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको बीच वाले जो एक फंदा सीधा बुने थे उसमें जोड़ के उल्टा बुन देंगे। ये देखिए एक और दो, बहुत इजी पैटर्न है, थोड़ा सा समझने की देरी है। फिर इसको इसके साथ मिला देंगे, हो गया एक, एक और दो उल्टा और फिर इसको इसके साथ जोड़ देंगे एक फंदा, दो और फिर एक इसके साथ जोड़ देंगे एक फंदा उल्टा। अब एक यहाँ पे देखिए हमारा डिजाइन कुछ ऐसा बन के आने लगा। अब देखिए इस डिजाइन की जगह चेंज होगी,
तो फिर अब क्या करेंगे हम लोग, फिर वो ऐसे ही बनाएंगे, पूरी रो को सीधी बुन लेंगे, पूरी रो को सीधी बुन लिए। फिर देखिए रॉन्ग साइड से पूरी रो को फिर सीधा बुन लें, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे पूरी रो को। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा समझ आ जाए तो फिर। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे, अब हम लोग इस दो फंदे पे बनाएंगे डिज़ाइन। इस दो को बैक से पहले एक करेंगे, धागा को लपेटेंगे, दो हो गया, अब एक तीन, तीन तीन फंदा चल रहा है। अब ये एक वाला फंदा सीधा हो जाएगा। फिर देखिए दो फंदे में नीडल को इस तरह से डालेंगे, दो से एक बनाएंगे, धागा लपेटे, तीन फंदे हो गए, फिर एक फंदा सीधा। फिर देखिए ध्यान से देखिए, दो फंदे में ऐसे बैक से बैक लूप लेंगे एक, फिर धागा में जाली डालते हुए दो हो गए और इसको बना दिया तीन हो गया। एक फंदा सीधा, एक बार और देखिए लपेटा तो दो हो गया, अब ये हो गया तीन, तो फंदा बढ़ जाता ना लपेटने से। एक फिर देखिए दो, फिर लपेटेंगे तीन, फिर एक फंदा हमारा सीधा, एज स्टिच हमारा सीधा, एज स्टिच इसलिए रखते कि सिलाई में आने के लिए। अब देखिए एक फंदा उल्टा, एक और दो, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, अब इस वाले तीसरे फंदे को इसके साथ में कर देंगे, एक और दो, इस वाले फंदे को जो तीसरे वाला फंदा है उसको इसमें मिला के बुन देंगे, एक दो, फिर इसको इसमें मिला के बुन दिए, एक दो, अब इस वाले फंदे को इस एज स्टिच में मिला के बुन दिए, तो देखिए बन के आएगा इतना सा। आगे आगे बनाते जाएंगे तो आपका पैटर्न कुछ ऐसा बन के आएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आप किसी भी कलर में डालिए, लेडीज़ के, जेंट्स के, किसी के भी डालिएगा। तो लास्ट में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट शेयर करिए। Thanks for watching. Bye.